सोचो, एक किसान है पुराने रोम में। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता है अपने खेतों में काम करने के लिए। उसकी मेहनत और लगन से फसलें लहलहाती हैं। वो मेहनत करता है, फसल उगाता है, टैक्स देता है। टैक्स देना उसकी जिम्मेदारी है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभाता है। लाइफ सिंपल है, प्रेडिक्टेबल है, हर दिन एक जैसा होता है और वह अपने काम में संतुष्ट है। लेकिन उसे पता नहीं है कि रोमन साम्राज्य, जो कभी बहुत ताकतवर और अमीर था, अब कमजोर हो रहा है। साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे घट रही है और इसके साथ ही उसकी सुरक्षा भी। उसकी करेंसी की वैल्यू घट रही है, दुश्मन दरवाजे पर हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और लोग परेशान हैं। हमारा किसान इन बड़ी ताकतों से बेखबर अपना रोज का काम करता रहता है। उसे नहीं पता कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। उसे एहसास नहीं है कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। वह अपने खेतों में खोया रहता है और आने वाले तूफान से अनजान है। जल्द ही बारबेरियंस हमला करते हैं, साम्राज्य टूट जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी मेहनत और लगन का कोई मोल नहीं रह जाता। यह कहानी भले ही सिंपल है, एक बड़ा सबक देती है। स्टेबल टाइम में भी चेंज आना निश्चित है, स्थिरता के समय में भी परिवर्तन अपरिहार्य है। इतिहास के साइकिल्स को समझकर हम आज और आने वाले कल की अनिश्चितताओं को समझ सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारा किसान अब अपने खेतों में खड़ा होकर सोचता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। वह समझता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और उसे इसके साथ जीना सीखना होगा। आज भी हम अपने जीवन में इसी तरह के बदलावों का सामना करते हैं। हमें भी अपने समय के संकेतों को समझना होगा और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। परिवर्तन को अपनाना और अनुकूलन में शक्ति पाना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे समय कितना भी स्थिर क्यों न लगे, परिवर्तन हमेशा दरवाजे पर दस्तक देता है। रे डालियो अपनी किताब द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में बताते हैं कि इतिहास साइक्लिकल होता है। इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे समय समय पर विभिन्न साम्राज्य उभरते हैं और फिर गिरते हैं। यह एक चक्र है जो सदियों से चलता आ रहा है। एम्पायर्स का उदय और पतन एक पैटर्न में होता है। यह पैटर्न हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे शक्तिशाली साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ते हैं। ये साम्राज्य ग्रोथ, डोमिनेंस, डिक्लाइन और कोलैप्स के फेजेस से गुजरते हैं। पहले वे तेजी से बढ़ते हैं, फिर वे अपने शक्ति के चरम पर पहुंचते हैं और अंततः वे गिरावट और पतन की ओर बढ़ते हैं। ये साइकिल्स कई फैक्टर्स से चलते हैं: इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर, एजुकेशन, इनोवेशन और इंटरनल ऑर्डर। जब एक साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है, उसकी सैन्य शक्ति प्रबल होती है, शिक्षा और नवाचार में अग्रणी होता है और आंतरिक व्यवस्था मजबूत होती है, तब वह अपने चरम पर होता है। जब ये फैक्टर्स साथ होते हैं तो एम्पायर्स तरक्की करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक साम्राज्य को स्थिरता और शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह लंबे समय तक टिक सकता है। लेकिन जब ये कमजोर होते हैं तो एम्पायर्स कमजोर हो जाते हैं। जैसे जैसे आर्थिक संकट, सैन्य कमजोरी, शिक्षा में गिरावट, नवाचार की कमी और आंतरिक अव्यवस्था बढ़ती है, साम्राज्य धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ता है। इन साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव देख रहे हैं। इतिहास के इन चक्रों को समझकर हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अमेरिका, जो दशकों से डोमिनेंट पावर रहा है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक विभाजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका की स्थिति को कमजोर किया है। नई ताकतें उभर रही हैं और दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है। चीन, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ा रही हैं, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। इतिहास में भी हमने देखा है कि कैसे रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरे और फिर गिरे। इन उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। आज के समय में इन ऐतिहासिक चक्रों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे वर्तमान वैश्विक घटनाएं भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम इन चक्रों को तोड़ सकते हैं और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इतिहास के इन चक्रों को जानकर हम न केवल अतीत से सीख सकते हैं,
बल्कि एक बेहतर भविष्य की योजना भी बना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने समाज और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। मनी किसी भी एम्पायर की जान होती है। यह वह धागा है जो समाज के विभिन्न हिस्सों को एक साथ बांधता है। चाहे वह व्यापार हो, निवेश हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी, हर चीज में पैसे की अहम भूमिका होती है। एक मजबूत करेंसी से व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह न केवल देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिरता और विश्वास को बढ़ाता है। एक मजबूत मुद्रा से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और यह विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करती है। लेकिन जब कोई देश बहुत ज्यादा पैसा छापता है या बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है तो उसकी करेंसी कमजोर हो जाती है। इससे मुद्रा स्फीति बढ़ती है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। कमजोर मुद्रा से देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। दालियो बताते हैं कि इतिहास गवाह है, एम्पायर्स अक्सर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण गिरे हैं। चाहे वह रोमन साम्राज्य हो या फिर ब्रिटिश साम्राज्य, सभी ने आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पतन का सामना किया है। वित्तीय अनुशासन की कमी और अनियंत्रित खर्च ने इन साम्राज्यों को कमजोर कर दिया। जब उनका कर्ज अनसस्टेनेबल हो जाता है तो उन्हें आर्थिक संकट, सामाजिक अशांति और अंततः पतन का सामना करना पड़ता है। कर्ज का बोझ बढ़ने से सरकारें अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, जिससे समाज में असंतोष और अशांति फैलती है। आज अमेरिका सहित कई देशों पर बहुत ज्यादा कर्ज है। यह कर्ज न केवल उनकी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर भी दबाव डालता है। उच्च कर्ज के कारण इन देशों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ती है, जिससे विकास परियोजनाओं पर असर पड़ता है। इससे उनकी इकोनॉमीज और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यह वैश्विक आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। इसलिए वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार कर्ज प्रबंधन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पावर की चाहत इतिहास में हमेशा से रही है। राष्ट्र संसाधनों, प्रभाव और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा टकराव और युद्ध का कारण बन सकती है, जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ सकती है। दालियों का तर्क है कि हम बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। खास तौर पर चीन का उदय अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप को चुनौती दे रहा है। इस प्रतिद्वंद्विता का असर व्यापार, तकनीक और सुरक्षा पर पड़ता है। आज का वर्ल्ड ऑर्डर कई की ट्रेंड्स से प्रभावित है। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बढ़ती इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज, ये ट्रेंड्स एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हैं और व्यापार बढ़ रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रही है। हालांकि इन ट्रेंड्स ने बढ़ती असमानता और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को भी बढ़ावा दिया है। कई संकेत बताते हैं कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। COVID-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरियों को उजागर किया और नेशनल रेजिलियंस के महत्व को रेखांकित किया। यूक्रेन में युद्ध ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को और बढ़ा दिया है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बदलाव को तेज कर दिया है। देश अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और एक ही सुपर पावर पर निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं। भविष्य का अनुमान लगाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि ऐतिहासिक पैटर्न्स का अध्ययन करके और मौजूदा ट्रेंड्स का विश्लेषण करके हम संभावित परिदृश्यों की पहचान कर सकते हैं। एक संभावना ये है कि दुनिया और अधिक फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, जिसमें प्रतिस्पर्धी पावर सेंटर्स होंगे और रीजनलिज्म बढ़ेगा। दूसरा परिदृश्य एक अधिक कोऑपरेटिव वर्ल्ड का है, जहां देश वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का आम इंसान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और क्लाइमेट चेंज हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों के बारे में जागरूक होना और उनसे निपटने के लिए रणनीतियां बनाना बहुत जरूरी है। इसमें अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना, अपनी एजुकेशन और स्किल्स में निवेश करना और बदलाव के लिए अधिक एडेप्टेबल बनना शामिल है। हम इतिहास के केवल निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं हैं,
हम अपने कार्यों से भविष्य को आकार दे सकते हैं। काम कर रही शक्तियों को समझकर हम सूचित निर्णय ले सकते हैं जो हमें और हमारे समुदायों को लाभान्वित करें। इसमें रचनात्मक संवाद में शामिल होना, सहयोग को बढ़ावा देना और ऐसी नीतियों की वकालत करना शामिल है जो स्थिरता, स्थायी विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देती है। दुनिया लगातार बदलाव की स्थिति में है और यह बदलाव अनवरत जारी रहेगा। इतिहास के साइक्लिकल स्वरूप, परिवर्तन को चलाने वाली शक्तियों और आगे आने वाले संभावित परिदृश्यों को समझना भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। अतीत से सीखकर, वर्तमान के साथ तालमेल बिठाकर और भविष्य को आकार देकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं।